हेलो हेलो विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? चला नेक्स्ट चॅप्टर आपण स्टार्ट करूया. नया चॅप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅस. मैंने इस चॅप्टर के ना सीधे सीधे पीवाय क्यू उठा लिए हैं डीसी पांडे में से. चलो पीवाय क्यूज तो कोई भी किताब में से भी मिलेंगे. खैर तो ये जो पीवाय क्यू मैंने उठाया है वो नीट के पीवाय क्यूज है और एम्स के पीवाय क्यूज है. मैं मेरी जेडब्ल्यू की सीरीज अलग से स्टार्ट करने वाला हूँ. मतलब जेडब्ल्यू के क्वेश्चन जो होते हैं जनरली थोड़े अलग होते हैं, तो मैं जेई की अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा. यहाँ पे मैं फिलहाल में नीट के जितने भी क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करूंगा. चलो एक सेकंड, कहाँ गया हमारा? चलो चलो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन. एक सेकंड, अरे ये क्या हो गया? चलो यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, चलो इसको जूम कर देता हूँ मैं. पहला क्वेश्चन पढ़ो, ये एम्स 2019 का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन आइडियल गैस एट प्रेशर 1 bar. ओके, प्रेशर दिया गया आपको P1, 1 bar. ओके, प्रेशर का बहुत सारे यूनिट होते हैं, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं, उसमें से बार एक यूनिट है. जनरली प्रेशर को हम फिजिक्स में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल जिसे हम कहते हैं इससे दिखाते हैं. ओके, लेकिन बार भी उसका एक यूनिट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. उसके बाद क्या दिया गया है? इज बीइंग कंप्रेस फ्रॉम, वॉल्यूम दिया गया है V1, इनिशियली 30 m³ था. ओके, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में, टू फाइनली कंप्रेस होके कितना हो गया? 10 m³. एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम, चलो टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ है, कहाँ से? T1 से, 320 K था, तो T2 हो गया 280 K. देन द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस. सिंपल क्वेश्चन है रे, तो मुझे लगा अच्छा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, एम्स का है तो ईजी निकला है. तो PV = क्या होता है बच्चों? PV = होता है, एक सेकेंड, PV = होता है NRT. क्या उसने गैस के नंबर ऑफ मोल्स को छेड़खानी की क्या? नहीं, एन कॉन्स्टेंट है और आर भी कॉन्स्टेंट है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ P1 V1 = NRT1. और सेकेंड केस में क्या लिखूंगा मैं? सेकेंड केस में लिखूंगा P2 V2 NRT2. इसको डिवाइड कर दो, NR NR कैंसिल, तो ये कुछ ऐसे आएगा P1 V1 P2 V2 T1 by T2. चलो मुझे चाहिए P2, तो P2 निकालने के लिए मैं इसे ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ. एक सेकेंड, एक पेज ऐड करने दीजिए मुझे, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ. ओके चलो ठीक है. हाँ अब कहा गया क्वेश्चन? हाँ, तो इसे मैं ऐसा लिखता हूँ P2 V2 upon P1 V1, क्योंकि हमें P2 चाहिए, तो ये T2 upon T1. तो टेम्परेचर T2 कितना था देखने दो मुझे, T2 is 280 upon 320. चलो वैल्यूज फटाफट लिख लेता हूँ, 280 upon 320. चलो ठीक है, टेम्परेचर हो गया है. तो उसके बाद V1 कितना है? 30, और V2 कितना है? 10. तो P1 यहाँ पे आएगा मेरा P2, तो V2 है 10, P1 है तुम्हें 1 bar, और V1 दिया गया है तुम्हें 30. ओके, इसको सॉल्व करना है, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, सो 28/32 × 3, ये ऐसे कुछ आएगा. तो 20, तो यहाँ से P2 क्या हो जाएगा? 28/32 × 3, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ठीक है, 28/32 × 3, 2.625, ये बार में आएगा आंसर. किस में आएगा? ये बार में, P2 2.625, यानी कि आंसर इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. मुझे लगा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन नहीं, इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था. चलो चलो आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन कुटा है वहाँ, हाँ क्या बनते हैं क्वेश्चन से पहले खाली क्यों दिया? हाँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, अच्छा काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, प्रेशर के साथ क्या होगा? पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 RT/NA. अगर मैं पर मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इतनी होती है. तो जनरली काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है. ये रिलेशन कहाँ से आया? देखो, जब भी टेम्परेचर राइज होगा सबसे पहले आपका VRMS इंक्रीज होगा, यानी कि वेलोसिटी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज होगी. अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इसलिए टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो टेम्परेचर बढ़ाया अगर आपने तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए. प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा? प्रेशर तो इंक्रीज होगा, ठीक है. उसके बाद डिक्रीज इन इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस, नहीं देखो, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे,
तो उनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लो पहले अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस पे इतने नज़दीक हैं, अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये गैस मॉलिक्यूल दूर दूर भाग, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इट्स मास, नहीं, टेम्परेचर से मास का कुछ रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द मीन फ्री पाथ एल, अच्छा मीन फ्री पाथ को एल उन्होंने नाम दिया है, जनरली हम लैम्डा लेटर से डिनोट करते हैं, लैम्डा इससे हर स्टैंडर्ड बुक में ये दिया गया है, डिपेंड्स अपॉन डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, सिंपल है, ये तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ही है, लिख के देता हूँ लगे तो मैं, मीन फ्री पाथ इक्वल्स टू 1/√2πD²nV। चलो ठीक है, एक ही टर्म बता देता हूँ मैं, डी क्या है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, डी क्या है बच्चों, डायमीटर, ठीक है। उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उसके बाद वी क्या है, वॉल्यूम, वी इज व्हाट, वॉल्यूम, वी इज व्हाट, वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या होगा रे, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ये आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया, एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आइडियल गैस इक्वेशन होता है बच्चों पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, चलो ठीक है, उन्होंने कुछ अलग ही दिया है, उसको रीअरेंज करते हैं, पी इक्वल्स टू, चलो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी वी, एन को क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास को एम जीरो से दिखाया दिया है स्टैंडर्ड बुक्स में, आर इंटू टी, ठीक है। अब वी को इधर भेज दो, पी इक्वल्स टू एम अपॉन वी इंटू आर टी बाय, आर टी बाय मोलर मास एम जीरो। अब मास अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या होता है, डेंसिटी, तो ये पी इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होगा बच्चों, ठीक है, रो आर टी, रो आर टी, तो ये रो हो गया डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद मास डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी नहीं, ठीक है, आर और एम जीरो क्या हो गया, मोलर मास, तो कौन सा ऑप्शन बचता है, मास डेंसिटी और मोलर मास, सी ऑप्शन बचेगा इसका, ठीक है। चलो हमारे पास यही चार क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, तो कम टाइम में हो गए, होप सो कि ये सेशन आपको, होप सो, एक सेकेंड, एक सेकंड में मेरी शक्ल दिखा लेता हूँ थोड़ी सी, होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, शॉर्ट एंड सिंपल सा था, 7-8 मिनट में मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बता दिए, 4 क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट वीडियोज में मैं ऐसे आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें कम से कम टाइम में ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ, एक 2-3 फॉर्मूले एक सेशन में आपको मेरे क्या मिलेगा पता है, 4-5 फॉर्मूले किसी भी पॉइंट पे और एक कॉन्सेप्ट, ये 2-3 चीज़ों को मैं फोकस करने की कोशिश करूँगा, 20 मिनट में आपको मैं इतनी हेल्प कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, शेयर करके जाना दोस्तों के साथ, और कुछ तुम्हें मुझे सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। चलो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।